इस वीडियो लेक्चर में हम आर्थिक विकास एवं इसके संकेतक इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इट्स इंडिकेटर्स के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आर्थिक विकास का अध्ययन अर्थशास्त्र की रोचक एवं चुनौतीपूर्ण शाखाओं में से एक है। हालांकि आर्थिक विकास के बारे में वाणिज्यवादियों से लेकर एडम स्मिथ, मार्क्स, कीन्स इत्यादि सभी अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास संबंधी समस्याओं के बारे में अध्ययन किया है, लिखा है उनके बारे में, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनमें हम विश्वव्यापी मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध को ले सकते हैं, जिनके कारण विश्व के विभिन्न देशों की सरकारों ने आर्थिक विकास संबंधी समस्याओं में ज़्यादा रुचि लेना शुरू किया था। हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के कई देशों को आज़ादी प्राप्त हुई, तो एशिया एवं अफ्रीका के राष्ट्रों में जो राजनीतिक पुनरुत्थान हुआ, उनके कारण इन देशों के नेताओं ने शीघ्रता से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की बात कही और इसके अलावा निर्धन देशों में भी जागरूकता प्राप्त हुई। वे अपनी समस्याओं को, आर्थिक विकास संबंधी समस्याओं को जल्दी से जल्दी हल करना चाहते थे। यानी जो विभिन्न देश हैं, वे आर्थिक विकास के द्वारा अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहते थे। इसके अलावा एक मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण भी आर्थिक विकास की समस्याओं में विश्व के विभिन्न देशों और अर्थशास्त्रियों ने रुचि लेना शुरू किया और विश्व के विभिन्न देशों ने ये महसूस किया कि खासतौर से विकसित देशों में देशों ने कि किसी एक स्थान की दरिद्रता दूसरे स्थान की या अन्य स्थानों की समृद्धि के लिए खतरा है। और क्योंकि विश्व के जो देश हैं वो परस्पर निर्भर हैं, और इसी संदर्भ में मायर एंड वाल्डविन ने टिप्पणी की थी कि राष्ट्रों के धन के अध्ययन की अपेक्षा राष्ट्रों की दरिद्रता का अध्ययन अधिक आवश्यक है। तो इन्हीं सब कारणों से जो विश्व के विभिन्न देश हैं और विभिन्न अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने आर्थिक विकास की समस्याओं पर चर्चा की, आर्थिक विकास के विभिन्न मॉडल्स का निर्माण किया। विद्यार्थियों, हम आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि, इन दो शब्दों का हम जो विकास का अर्थशास्त्र है उसमें निरंतर उपयोग करते हैं, और ये दोनों शब्द ज़्यादातर पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं और ऐसा प्रयोग करना अक्सर मान्य है। लेकिन जहाँ दोनों धारणाएँ प्रयुक्त की जाती हैं वहाँ इनका अलग-अलग अर्थ लिया जाता है। तो जो आर्थिक वृद्धि है उसका मतलब है अधिक उत्पादन, जबकि आर्थिक विकास का अर्थ है अधिक उत्पादन तथा तकनीकी एवं संस्थागत व्यवस्थाओं में परिवर्तन जिनके द्वारा यह उत्पादित और वितरित किया जाता है। विद्यार्थियों, आर्थिक वृद्धि का मतलब सामान्यतः एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में उसको परिभाषित किया जाता है जिससे किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय या वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकाल तक वृद्धि होती है। यानी यदि किसी देश में राष्ट्रीय आय बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है निरंतर, और वस्तुओं सेवाओं का अधिक उत्पादन होता है, तो हम कहते हैं उस देश में आर्थिक वृद्धि हो रही है। लेकिन आर्थिक विकास की जो धारणा है वह आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है, विस्तृत है। क्योंकि जहाँ आर्थिक वृद्धि में हम केवल परिमाणात्मक परिवर्तन को, क्वांटिटेटिव चेंज को, यानी उत्पादन और आय में होने वाली वृद्धि को
शामिल करते हैं, वहीं आर्थिक विकास में परिमाणात्मक और गुणात्मक परिवर्तनों, यहाँ गुणात्मक परिवर्तन से मतलब है संरचनात्मक एवं संस्थागत परिवर्तनों में अर्थव्यवस्था के स्वरूप में, अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन को हम शामिल करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी देश में आर्थिक विकास है ये तभी माना जाएगा जब वहाँ के नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। आर्थिक विकास के लिए विद्यार्थियों आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ आवश्यक है, परंतु आर्थिक समृद्धि की जो तीव्र दर है वह आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित नहीं करती है कि आर्थिक विकास भी ऊंचा है, क्योंकि आर्थिक विकास का जो मुख्य उद्देश्य है वह गरीबी असमानता बेरोजगारी का निवारण करना है। इसलिए विद्यार्थियों आर्थिक विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होते हैं, आर्थिक समृद्धि भी शामिल है इसमें, गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, संस्थागत एवं संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, सतत एवं समावेशी विकास की अवधारणा भी इसमें शामिल है। कहने का मतलब ये है कि इसमें अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन हो जाता है, अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर उनकी गतिविधियों में राष्ट्रीय आय में उनके योगदान में चेंज हो जाता है, जो रोजगार का ढांचा है जो व्यावसायिक संरचना है रोजगार की उसमें चेंज हो जाता है, यानी बहुत सारे परिवर्तन इसमें शामिल होते हैं। यदि हम विकास के आधारभूत मूल्यों की बात करें, कोर वैल्यूज ऑफ डेवलपमेंट की बात करें, तो हम इसमें तीन वैल्यूज शामिल करते हैं, जीवन निर्वाह यानी आधारभूत आवश्यकताओं की उपलब्धि यानी लोगों को रोटी कपड़ा मकान यानी जो उनकी बेसिक नीड्स हैं जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वह पूरी होनी चाहिए, क्योंकि इन आवश्यकताओं के पूरी ना होने के कारण जीवन दुखद हो जाता है। दूसरा वैल्यू जो इसमें है मूल्य वह है आत्मसम्मान, यहाँ आत्मसम्मान का मतलब है व्यक्तिगत एवं राष्ट्र स्तर पर आत्मसम्मान, जो कि राजनीतिक सामाजिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य में हम इसको लेते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जो आय स्तर है धन संपत्ति है वो आत्मसम्मान का सूचक माना जाने लगा है, और जब निर्धन देश के लोग जो विकसित देशों के संपर्क में आते हैं या जो तकनीकी रूप से सक्षम हैं उन्नत हैं उन देशों के संपर्क में यदि आते हैं तो निर्धन देश के नागरिक अपने आप को हीन महसूस करते हैं, तो जो आत्मसम्मान है वो आर्थिक विकास की प्रक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा जो आर्थिक विकास में जो अगला आधारभूत मूल्य है वह है स्वतंत्रता फ्रीडम, यहाँ स्वतंत्रता से मतलब है समाज एवं व्यक्तियों के विस्तृत अधिकारों को व्यक्त करना तथा विदेशी निर्भरता एवं प्रतिबंधों को ख़त्म करना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तीनों घटक हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो विकास है उसका आर्थिक विकास है उसकी जो मुख्य चुनौती है, जैसा कि विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया था 1991 में कि विकास की चुनौती जीवन की गुणवत्ता को सुधारना है, विशेषकर निर्धन देशों में। गुणवत्ता में सुधार का मतलब ऊंची आय नहीं है केवल, बल्कि अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य का उच्च स्तर, कम गरीबी, स्वच्छ वातावरण, अवसरों की समानता, अधिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अमूल्य सभ्याचारक जीवन, रिच कल्चरल लाइफ, ये सब तत्व लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं और आर्थिक विकास के माध्यम से इनको प्राप्त किया जाता है।
तो विद्यार्थियों, आर्थिक विकास एक बहुत व्यापक अवधारणा है, बहुआयामी प्रक्रिया है। आर्थिक विकास को मापने के लिए कई मानदंड काम में लाए जाते हैं और ये मानदंड हैं जीएनपी या जीएनपी प्रति व्यक्ति, यानी कहने का मतलब ये है कि ये आर्थिक विकास का परंपरागत मानदंड है, परंपरागत संकेतक है जिसको हम आर्थिक विकास को जीएनपी या प्रति व्यक्ति जीएनपी की वृद्धि के माध्यम से सूचित करते हैं। यदि किसी देश में राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, तो हम ये कहते हैं दीर्घकाल तक यदि वृद्धि होती है तो आर्थिक विकास हो रहा है। लेकिन इस अवधारणा में ये माना गया कि आर्थिक वृद्धि का लाभ, यानी जो जीएनपी में वृद्धि का लाभ है, वह धीरे धीरे समाज के निचले तबके तक पहुंच जाएंगे, यानी जो घरेलू सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लाभ सभी को प्राप्त हो जाएंगे, खासतौर से निर्धन वर्ग को भी समय के साथ साथ प्राप्त हो जाएंगे, जिसको हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं। लेकिन ये देखा गया कि किसी भी देश के जो राष्ट्रीय आय है या प्रति व्यक्ति आय है, उसमें उच्च वृद्धि के बावजूद भी लोगों के जीवन स्तर में सुधार नहीं हुआ था। तो आर्थिक विकास को जीएनपी या जीएनपी प्रति व्यक्ति के रूप में 1970 तक मापा जाता रहा, लेकिन उसके बाद से जीएनपी और जीएनपी प्रति व्यक्ति माप से असंतुष्ट होकर आर्थिक विचारकों ने विकास प्रक्रिया की गुणवत्ता पर ज़्यादा ध्यान देना प्रारंभ किया और उन्होंने कहा कि जो तीन विभिन्न लेकिन पूरक जो उद्देश्य हैं विकास के, रोजगार बढ़ाने, गरीबी दूर करने और आय एवं धन की असमानता को दूर करने पर फोकस किया जाना चाहिए, ध्यान दिया जाना चाहिए। इसलिए जो अर्थशास्त्री हैं वह बेसिक ह्यूमन नीड्स, मूलभूत आवश्यकताओं की कूटनीति पर उन्होंने ध्यान देना शुरू किया और उसके लिए अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न मदों का प्रयोग करते हुए आर्थिक विकास को मापने के लिए सूचकांकों का निर्माण किया। और इन सूचकांकों में हम सबसे पहला जो प्रयास है वो हम ले सकते हैं जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक PQLI, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जिसके माध्यम से आर्थिक विकास को मापने का प्रयास किया गया। और ये जो सूचकांक है 1979 में मॉरिस डी मॉरिस ने 23 विकसित एवं विकासशील देशों के लिए तुलना करने के लिए बनाया था। और इस सूचकांक में तीन तत्व लिए गए हैं, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा एवं साक्षरता, और इनके के आधार पर जो देश हैं उनके आर्थिक विकास को मापने का प्रयास किया गया। और इस सूचकांक को जो उसके वैल्यूज हैं उनको 0 से लेकर 100 तक के बीच में उसको रखा गया और देशों के आर्थिक विकास का आकलन किया गया। और ये निष्कर्ष निकाले गए कि प्रति व्यक्ति जीएनपी दर या PQLI में बीच कोई स्वतः तालमेल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अधिक जीएनपी प्रति व्यक्ति होने पर भी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स अधिक होना आवश्यक नहीं है। लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पारिवारिक वातावरण में या पोषण संबंधी जो दर्जा है या सामाजिक संबंध हैं उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति भी PQLI को निर्धारित करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आर्थिक विकास है वह केवल प्रति व्यक्ति आय पर, राष्ट्रीय आय में वृद्धि पर या जीएनपी पर ही आधारित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय आय को
जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने वाले सूचकांकों के आधार पर देखा जाना चाहिए। इसके बाद आर्थिक विकास को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण जो सूचकांक है वह है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जो यूएनडीपी है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, 1990 से अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। उसमें एचडीआई के आंकड़े दिए जाते हैं और एसडीआई की जो संकल्पना है वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने इसकी की थी संकल्पना। और एचडीआई को तीन आधारभूत पहलुओं में उपलब्धि के आधार पर मापा जाता है। और इसमें ये तीन डायमेंशन लिए गए हैं, आयाम लिए गए हैं, वह है स्वास्थ्य जिसको हम जीवन प्रत्याशा से देखते हैं, शिक्षा यानी ज्ञान की उपलब्धि जिसको स्कूल में व्यतीत किए जाने वाले संभावित वर्ष और स्कूल में व्यतीत औसत वर्ष के आधार पर निकाला जाता है, और जीवन स्तर जिसको प्रति व्यक्ति आय जो कि क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर डॉलर में व्यक्त की जाती है उसके आधार पर इसमें कैलकुलेट किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन जो तीन आयाम हैं इनको आधार पर जो एचडीआई कैलकुलेट किया जाता है उसमें विभिन्न आयामों के, तीनों आयामों के न्यूनतम और अधिकतम जो मूल्य हैं वह लिए जाते हैं। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें जो एसडीआई के वैल्यू हैं वो प्रत्येक देश के लिए दिए जाते हैं। और यदि हम 2019 की रिपोर्ट की बात करें तो इसमें एसडीआई रिपोर्ट में नॉर्वे का स्थान सर्वोच्च था और जिसकी एचडीआई की वैल्यू 0.954 थी, और स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर था। भारत 189 देशों की सूची में भारत का स्थान जो है 129वीं रैंक पर था और उसकी एचडीआई की वैल्यू 0.647 रही। कहने का मतलब ये है कि हम विकसित देशों की इससे तुलना करें तो भारत का जो एचडीआई स्कोर है वह काफ़ी कम है, हालांकि पिछले वर्षों में इसमें सुधार भी हुआ है। इसके बाद जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें 2010 से तीन नए सूचकांक भी प्रकाशित किए जा रहे हैं, कैलकुलेट किए जा रहे हैं। एक है असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक IHDI, दूसरा है लिंग असमानता सूचकांक GII, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI। तो इन तीनों सूचकांकों में जो देशों के आर्थिक विकास है उसको असमानता या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या वुमेन एम्पावरमेंट, और जो निर्धनता है किन वर्ग, कौन से वर्ग वंचित हैं उनके आधार पर और संशोधित करके जो सूचकांक हैं वह निर्मित किए जा रहे हैं। तो आर्थिक विकास को मापने के लिए इन संकेतकों का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हम आर्थिक विकास के संकेतक के रूप में एक और सूचकांक की चर्चा कर सकते हैं, सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक, जो कि भूटान के राजा जिग्मे सिंगमे बानचुक द्वारा 1972 में किया गया कैलकुलेट या प्रकाशित किया गया। और उसमें चार आयाम लिए गए, उच्चतर वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सुशासन की स्थापना, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण। यानी इसमें ये देखा गया कि राष्ट्र के जो नागरिक हैं उनका खुशहाली का स्तर कितना है, यानी हैप्पीनेस इंडेक्स कैलकुलेट किया गया, क्योंकि केवल प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय बढ़ने से ही व्यक्ति प्रसन्न नहीं होते हैं। तो सुशासन की स्थापना, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण, इन आयामों को भी प्रति व्यक्ति आय के साथ जोड़ा गया और खुशहाली सूचकांक तैयार करने की कोशिश की गई। तो विद्यार्थियों, ये आर्थिक विकास के कुछ इंडिकेटर्स हैं, इनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं और आर्थिक विकास को अब
इन इंडिकेटर्स के माध्यम से सूचित किया जाता है। हालांकि परंपरागत रूप से आज भी सकल राष्ट्रीय उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से आर्थिक विकास को सूचित किया जाता है, लेकिन ये जो सूचकांक हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या PQLI, ये GNP और प्रति व्यक्ति GNP के जो सूचकांक हैं उसके पूरक हैं और देश की आर्थिक स्थिति, वास्तविक आर्थिक स्थिति को व्यक्त करने में सहायक हैं कि देश में प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ साथ लोगों की जीवन की गुणवत्ता में कितना सुधार हो रहा है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आर्थिक विकास को मापने के लिए विभिन्न इंडिकेटर्स प्रयुक्त किए जाते हैं। उम्मीद है आपको ये विषय है, जो टॉपिक है, समझ में आ गया होगा और आप इनके संदर्भ में डिटेल स्टडी भी कर सकते हैं। थैंक यू।